बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फन टाइम विद उमैर खान। तो बहुत चंगा नाम है। तो अगर आप नहीं हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। वीडियो को स्किप नहीं करना, थोड़ी सी वीडियो कंप्लीट देख लेनी आपने। जितने भी क्रिकेट के शाहकार हैं, क्रिकेट के शहीन हैं, क्रिकेट के शहीन अफरीदी हैं, शाबाश बेटा। क्रिकेट के अफरीदी जो भी हैं, शौकीन हैं, तो उन्होंने इसको वीडियो को स्किप नहीं करना। और इसके अलावा मैं जितने भी वो गाम में हैं उनके साथ में गाम में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन उनको गाम नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगा, वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान मैच हार चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, लेकिन इसके हार्ट के हम देखें तो पाकिस्तान वालों ने अच्छी टक्कर दी है इंडिया वालों को जवाब दिया है। मैच कोई वन साइडेड नहीं हुआ था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हार जो है ना वो हमारे नसीब में लिखी थी। आखिरी ओवर में उन्होंने जो क्या कहते हैं गाड़े बाशे से सारा कुछ करके उन्होंने किसी न किसी तरह मैच को अपनी तरफ ले लिया। और जो अंपायर थे उसने भी एक चलाकी दिखाई है, उसके विराट कोहली के कहने पर उन्होंने सारा कुछ कर दिया। लेकिन उस मोटे को डंडी को इस तरह नहीं करना चाहिए था, उसको कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन उसने विराट के कहने पर, लेकिन विराट के काम देखे बिल्कुल उसके यहाँ पे बॉल आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि ये लो है, ये वो है। तो इस वजह से पाकिस्तान मैच हार चुका है। लेकिन पाकिस्तान अवाम है या इंडिया के अवाम है, तो जितने भी शौकीन हैं तो आपने गम नहीं करना, वक्त इंशाल्लाह फिर आएगा। क्योंकि इंडिया के साथ हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं। रिसेंटली भी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। और अमित राजा ने भी दो टॉक क्या क्या कड़क से जवाब दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमने फिर हिस्सा भी नहीं लेना एशिया कप में। और जो पिछली मतलब दिन जो मैच उन्होंने हारा है पाकिस्तान ने, तो उसमें भी जो ये मैंने बात की है कि अंपायर ने रिव्यू नहीं लिया। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा 9 बॉल आखिरी ओवर में मैच गड़बड़ करके जीत लिया, तो इस पर भी रमीज राजा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलते ही नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया वाले डरे हुए हैं कि वो जो मैंने कह रहा था कि एशिया कप खेलने नहीं, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम एक बार गए थे तो वसीम अकरम ने लड़की फंसा ली तो इंटरनेशनल हो गए। इसके अलावा सानिया मिर्ज़ा की तरफ देख लें तो वो भी कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फंसा ली, हसन अली ने भी एक फंसा ली। और आप रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अब वो कह रहे हैं कि सुन रहे हैं कि नसीम शाह और उर्वशी का जो है सीन बनना जा रहा है, इस बार हम गए तो वो भी हमारे बच्चों को फंसा लेंगे। इस तरह तो सारा का सारा इंडिया जो है ना वो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान वालों के साले बन जाएंगे सारे। सारे हम यही रह जाएंगे। तो ये वो इंडिया के डर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह वो आएंगे लाजमी आएंगे और यहाँ पे अपनी धुलाई जरूर करवाएंगे। पाकिस्तान वाले उनको ये अभी तक उनको मना रहे हैं कि आ जाओ एक बार वो आ जाए फिर देखें इनकी किस तरह धुलाई होती है। लेकिन इसके बावजूद पिछले मैच के लिए अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान मैच हार चुका है कोशिश करने के बावजूद। लेकिन कोशिश अच्छी की है, चाचे इफ्तखार ने किस तरह पूरा अपनी जिंदगी का जोर लगा के 4 छक्के लगा दिए। इतने बड़े बड़े ग्राउंड थे, बाकी जिसने भी वो किया कैच वो कर लिया। लेकिन इसके अलावा शान मसूद की चलाकी देखे, उसने मुझे लगता है कि रिजवान का थोड़ा सा झूठा खाया था। टुक 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 करते करते वो क्या कर गया, पूरी की पूरी अपनी 50 बना गया। आता कोई छक्का नहीं लगाया, सिर्फ चौके लगा था। उसको पता था कि यहाँ से मुझे छक्का लगना नहीं, मुझसे मैन आउट डायरेक्ट हो जाना है। लेकिन चाचे इफ्तखार ने देखे 4 छक्के लगा दिए। इसके अलावा बाकी सारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। नसीम शाह की बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी विकटें ली है उसने, लेकिन जो खाए भी हैं जो, क्योंकि इतने स्कोर उन्होंने आखिरी जो ओवर हुआ है किसका, शहीन शाह का, शहीन अफरीदी का, तो उसने भी अच्छे खासे स्कोर उसने खाए। इसके अलावा नवाज़ की बात करें तो बाकी सारा कुछ मामला था, लेकिन उन्होंने स्कोर खाए भी हैं कुछ, उन्होंने मतलब वो किए। आखिरी ओवर एक उन्होंने क्या कहा स्पिनर को दे दिया, तो उन्होंने हारिस रौफ को ना देना चाहिए था फास्ट बॉल, क्योंकि स्पिनर को दिया जिसकी वजह से वो मार खा गए और सारे के सारे 1-4 बॉलों पे उन्होंने कितने 13-14 स्कोर वो ले गए इंडिया वाले।
तो लेकिन बाकी अपने कमेंट्स में फीडबैक देना है, क्योंकि आखिरी बार में उन्होंने चलाकी की है जिसकी वजह से वो क्या हो गया मैच, उन्होंने अपने नाम कर लिया क्योंकि कोई नो नहीं थी और फ्री हिट पे उन्होंने 3 स्कोर वो काउंट कर लिए। और इसके अलावा रिव्यू का कहा तो बाबर आजम ने, क्योंकि अंपायर का फैसला अटल होता है वो मान लिया, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने रिव्यू का कहा तो उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया, तो ये उन्होंने लाजमी इसमें कोई चलाकी की है जिसकी वजह से मैच उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। लेकिन पाकिस्तानियों आपने पीछे नहीं हटना, अपना जो है ना डंडा गाड़ के रखना है इनकी तरफ, इनको एक दफ़ा आने दो एशिया कप में, इनकी धुलाई भी करनी है और उर्वशी को भाभी भी बनाना है हमारे साथ। म्यूजिक साथ रहिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।